इसमें जब यूरिक एसिड का पेशेंट आता है, यूजुअली इस कंप्लेंट से आता है कि बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन हो रही है, गाउट का शिकार है वो लोग, और उसको बेहतर करने के लिए हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है इस तरह से कि कुछ चीज़ों को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है और कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोइना बेग है, मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे कि वो लोग जो हाई यूरिक एसिड का शिकार हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो इस तरह दो तरह के पेशेंट्स आते हैं, कुछ वो लोग हैं जो मेडिकेशन पे चले जाते हैं जिनको उनके डॉक्टर जो है वो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर देते हैं, और कुछ वो लोग हैं जिनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कहते हैं। इन दोनों लोगों में डाइटरी मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी डाइट में वो मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे जो यूरिक एसिड को बढ़ाने में रोल प्ले कर रही हैं, तो हमारा यूरिक एसिड रिवर्स कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी या जिनको हमने रिस्ट्रिक्ट लिमिट करना है। तो इसमें जब यूरिक एसिड का पेशेंट आता है, यूजुअली इस कंप्लेंट से आता है कि बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन हो रही है, गाउट का शिकार है वो लोग, और उसको बेहतर करने के लिए हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है इस तरह से कि कुछ चीज़ों को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है और कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ता है। सबसे पहले इसमें हमारा रेड मीट आता है, छोटा बड़ा गोश्त दोनों, यानी बीफ और मटन, इसका इस्तेमाल कम करें। तकरीबन 15 दिन बाद लेने का सोचें, डेली बेसिस पर बिल्कुल ना लें। सेकेंड नंबर पे दालों का इस्तेमाल कम करें। थर्डली लोबिया और चने, क्योंकि अक्सर लोग दालों का इस्तेमाल रोक देते हैं लेकिन लोबिया चना इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वो भी यूरिक एसिड में रोल प्ले कर रहा होता है। ये सब वो हाई प्यूरिन फूड्स हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाने में रोल प्ले कर रही हैं, जिसमें हमने बात की रेड मीट की, चने, लोबिया की, दालों की, और चौथे नंबर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, जैसे पालक आ गई, बंद गोभी आ गई, इन चीज़ों को आपने लिमिट करना है। टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देना है। इन सब चीज़ों को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है यूरिक एसिड कम करने के लिए। लेकिन अब ये सवाल आया है कि हमने जब रेड मीट बिल्कुल बंद कर देना है, दालें बंद कर देनी है, तो प्रोटीन का सोर्स कहाँ से लेना है? आपने क्या करना है, वाइट मीट पर शिफ्ट हो जाना है। चिकन और फिश सेफ हैं, वीक में 3 से 4 या 5 दफ़ा इस्तेमाल करने के लिए भी, वो आपने प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करने है। मोरिंगा को प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करना है। दूध और दही को थोड़ा सा लिमिट करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये वो सब डोंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं ताकि आप अपने यूरिक एसिड के हाई लेवल्स को रिवर्स कर सकें। और अब लेना क्या है, लेना ये है कि नंबर वन पे आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। पानी तकरीबन जितना आपकी बॉडी हाइट वेट के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि यूजुअली नॉर्मल वेट हाइट के लिए हम 10 से 12 ग्लास एक दिन में कहते हैं, ज़रूर लें। सेकेंडली आपने विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जो कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स से, लेमन से मिल सकती हैं, आप लेमन वाटर पी सकते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको यूरिक एसिड जो फंक्शनल फूड के तौर पर यूज़ होंगी। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जैसे बार्ले पॉरेज है, ओट मील है, वो बहुत अच्छा एक ऐसा फूड है जिसको आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई उसमें यूरिक एसिड का ख़तरा नहीं है और वो साथ ही साथ फ़ायदा भी दे रहा होता है। इन सब गाइडलाइंस को अपने जहन में ज़रूर रखें ताकि आप अगर हाई यूरिक एसिड की वजह से किसी भी जॉइंट पेन, किसी भी अनईज़ का शिकार हो रहे हैं, तो आपको हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू वेरी मच।